हेलो हाय व्हाट्स अप, दिस इज़ भूमिका एंड यू आर वाचिंग जस्ट भूमिका थिंग्स। और ये रात नहीं है, ये सुबह के 5:45 हो रहे हैं और सूरज भगवान बस निकलने ही वाले हैं। मेरी इतनी सुबह उठने का कारण आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा जो स्टार्टिंग में क्लिप्स लगी हैं। छठ पूजा को कवर कर रही हूँ मैं अपने सोसाइटी में और हमारी सोसाइटी में बहुत प्यारा सेलिब्रेशन हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था स्टार्टिंग में कि आई विल मेक अ व्लॉग, बट मैं मजबूर हो गई जब मैंने देखा इतनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। तो मेरी मम्मा फास्ट नहीं रहती है लेकिन वो पूजा ज़रूर करती है। तो किस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ है और ये रिचुअल कैसे कैसे किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में मिलने वाली हैं, दिखने वाली हैं। तो मेरे साथ एंड तक रहिएगा अगर आपको रिचुअल्स को इन्जॉय करना है तो, और जानना है कि क्या क्या होता है एंड स्पेशली सनराइज़ देखना है। मुझे याद ही नहीं है कि किस जन्म में मैं इतनी सुबह लास्ट टाइम उठी थी। तो चलते हैं, देखते हैं। एंड यस, मेरे प्रीवियस व्लॉग्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। दिवाली व्लॉग भी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है, सो उसे देखना मत भूलिएगा। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो। छठ पूजा बिहार और यूपी में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाने वाला 4 दिनों का त्योहार है। ये पूजा क्यों की जाती है, इसकी वैसे तो अलग अलग कहानियां हैं लेकिन एक मान्यता रामायण काल से जुड़ी हुई है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। भगवान राम सूर्यवंशी थे और इनके कुल देवता सूर्य देव थे। इसीलिए 14 वर्षों के बाद जब भगवान राम और देवी सीता अयोध्या वापस लौटे तो सूर्य देव के आशीर्वाद को पाने के लिए राम जी ने देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि का व्रत रखा और सरयू नदी में डूबते सूरज को फल मिठाई से अर्घ दिया और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूरज को अर्घ देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद उन्होंने अपना राजपाट आरंभ किया और तभी से सूर्यदेव की उपासना छठ महापर्व के तौर पर मनाई जाती है। दूध दही बड़ा प्यारा सखी मुझे लागे वृंदावन प्यारा सखी। सारी तैयारियों और गाने बजाने के बाद अभी टाइम हो चुका है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाए। कहते हैं सबसे कठिन व्रतों में से एक छठ पूजा का व्रत होता है क्योंकि इसमें आपको 36 आवर्स यानी कि 36 घंटे का फास्ट रखना होता है। बट द बेस्ट पार्ट, जब आप इस पूजा को अपनी पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो ना तो वो 36 आवर्स आपको पता ही नहीं चलते। सबने खूब एंजॉय की लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क रहा सुबह 4:30 बजे उठना, जिसमें मैं पास हो ही गई। आई डोंट नो मैं लास्ट टाइम इतनी सुबह कब उठी थी। सुबह के 4:45 हो रहे हैं और किसी भी टाइम क्या है, 1 घंटे तो लगे जाएंगे आई गेस। ठंडी की सुबह है, सूरज देवता को निकलते हुए वहाँ के नज़ारे अगर मैं दिखाऊंगी ना आपको तो एकदम अंधेरा हो रखा है, कुछ नहीं दिखेगा, बस आवाज़ें आपको सुनाई दे रही। लुक एट द व्यू, व्यू अच्छा है लेकिन एज आई सेड जब मॉर्निंग होगी ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड इनफैक्ट इस मॉर्निंग के व्यू के लिए ही आज मैं उठी हूँ। एंड यस, छठ पूजा तो कवर करनी ही है तो अभी जल्दी से रेडी हो जाते हैं। ओके
ऑलरेडी। अरे यार चलो पापा की जेब देखो। चलो ऐसे ही चलो ना, क्या जा रहा है। मन लाइट ऑफ करती। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। अरे पहने भाई, इसमें ठंड नहीं लगेगी, चिंता नहीं करो। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन जहाँ मैं आपको ले जा रही हूँ वहाँ पर पहुँच कर आपको पता चलेगा कि सब सूरज देवता का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रिपरेशंस चल रही हैं, आपको दिखाते हैं सब चल के। चलो देखो भैया। मम्मा को दिया है वो, दे दो ना सिंदूर जो दिया आपको। चिया इतनी सुबह उठ के कैसा लग रहा है? अच्छा हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है, आप देख सकते हैं सुबह सुबह की हवा। वेल दिस इज़ माई प्रिटी सोसाइटी जो आपको मेरे व्लॉग्स में अक्सर दिख जाया करती है, जिसका मैं फुल व्लॉग भी किसी दिन बनाऊंगी। स्पेशली अगर आपको चाहिए और देखनी है मेरी सोसाइटी एंड अ होम टूर तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देन होपफुली आगे के व्लॉग में से एक व्लॉग होम टूर और सोसाइटी टूर भी हो जाए। सारी तैयारी हो चुकी है, बस 15 मिनट में ऐसा कहा जा रहा है कि सूरज भगवान निकलेंगे और तब अर्घ दिया जाएगा। फाइनली सूरज भगवान दिखे और सबकी पूजा शुरू हुई। अब इतनी सुबह जन्मों बाद तो उठे थे तो भोले बाबा को प्रसन्न करने का मौका कैसे छोड़ देते। और इसी के साथ वो टाइम भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है, छठ का प्रसाद, स्पेशली ठेकुआ खाने का। आई होप आपको ये छठ का ब्लॉग पसंद आया हो। कोरोना के टाइम में यार ये सबसे अच्छी चीज़ हो रही है कि हम अपने फैमिली के साथ हैं और सारे फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे और भी ब्लॉग्स हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, आप उन्हें भी इक्वली इंजॉय कर सकते हैं। वेल अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस ब्लॉग को शेयर करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप नए हैं तो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।